कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तवि कर्मणि। यह है जैक्सन तोलाराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दफ्तर। पिछले 60 साल से सुबह 10 बजे यह दफ्तर शुरू होता आ रहा है और इस कंपनी के कर्मचारी पिछले 60 सालों से ही करीबन 9 बजे अपने अपने घरों से निकल जाते हैं। यह हैं जैक्सन तोलाराम के जनरल मैनेजर मिस्टर नौशेर जी बोमन जी बाटली वाला। जी हाँ, अपने गिरते हुए बालों को इम्पोर्टेड खिजाब से काला कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि जवान बना रहे, लेकिन एक जमाना था आपके बाल वाकई काले थे। शिरीन दारू वाला, इनसे आपके लंबे रोमांस का किस्सा मलबार हिल के पुराने बाशिंदे आज भी याद करते हैं। बाटली वाला दारू वाला मिलन से इनके चार बच्चे हैं, चारों लड़कियां। और आप हैं हीर जी नानजी पारिक, जैक्सन तोलाराम कंपनी के चीफ अकाउंटेंट। कंपनी का हिसाब रखने के साथ साथ मिस्टर पारिक इसी दफ्तर की छोटी सी मेज पर बैठने वाली हंसा मेहता से अपना हिसाब भी जमाते रहे। 20 साल हो गए, लेकिन लगता है कल ही की तो बात है। 1947 से 1950 तक दफ्तर बांद्रा के पामपोश रेस्टोरेंट और पास ही अल्मीडा पार्क के पेड़ों के झुरमुट में आपका रोमांस फला फूटा। फिर एक दिन अकाउंटेंट की जोड़ हंसा बेन से बैठ गई। दफ्तर की छोटी सी मेज से उठकर मिस हंसा मेहता पारिक के बड़े से फ्लैट में समा गई और आज अकाउंटेंट साहब के खाते में 3 बच्चे हैं। एन के वासुदेवन नंबिया, जैक्सन तोलाराम प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यो प्रमोशन अलाउंस और ओवरटाइम के चक्कर में मिस्टर नंबियार को कभी रोमांस की फुर्सत ही नहीं मिली। फिर एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। बंबई में अपना कोई था नहीं, अस्पताल चले गए। और जी हाँ, अस्पताल में नंबियार ने नर्स पार्वती अम्मा को अपने प्रेम पाश में बांध लिया। उसके भी यहाँ कोई नहीं था, दोनों की शादी हो गई। और ये हैं पांडुरंग गणपत ढूंढे, जैक्सन तोलाराम के कर्मठ चपरासी। 15 साल की नौकरी में 5 लड़कियों से पांडू ने सच्चा प्रेम किया, मगर बात आकर टूटी 2 बच्चों की मां विधवा रुक्मिणी बाई पर। सिर्फ सच्चे प्रेम से काम चला नहीं, शादी भी करनी पड़ी। 2 रुक्मिणी के और 3 अपने, कुल मिलाकर 5 हिंदुस्तानियों का खाना पीना 200 रुपए में किस चतुराई से चलाया जाता है, यह आपको हर बड़े ऑफिस का चपरासी ही बता सकता है। और ये हैं अरुण प्रदीप, जैक्सन तोलाराम कंपनी के सुपरवाइजर ग्रेड 2।
और हमारे नायक, ये भी अपनी कंपनी की प्रेम परंपरा को बनाए रखने में जुटे हुए हैं। 95 की 86 बस में सफर करने वाली प्रभा से इनका प्यार है। ये बात और है कि अभी प्रभा जानती भी नहीं कि आप कौन हैं। जी हाँ, यही प्रभा है और ये अरुण का दिल जो इस वक्त जोरों से धड़क रहा है। काश दिल्ली और कलकत्ता की तरह बंबई में भी क्यू सिस्टम की कोई परवाह न करता तो इस वक्त अरुण और प्रभा एक ही बस में होते। चलो आज ना सही, फिर कभी। घूमती रहती है, उसका पूरा काम मुझे देखना पड़ता है। कल तो रोजी की शादी में भी नहीं आई। क्या करती प्रभा, टाइम ही नहीं मिला। आज वो मेरे पीछे ही उतरा और लिफ्ट तक उसने मेरा पीछा किया। अरे पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी देख लेती। बताती कैसे, मेरे पीछे ही खड़ा था और जब उसे लिफ्ट में नहीं लिया तो उसका मुंह देखने जैसा था। कहाँ काम करता है? होगा यहीं कहीं। हाँ, एक और दिन की बात है, उस दिन हम दोनों पास पास खड़े थे, बस में बहुत भीड़ थी, फिर दो आदमी उठकर चले गए और मैं आराम से जाके बैठ गई खिड़की के पास। वो लपक कर मेरे पास आया लेकिन होता क्या, कोई और आके बैठ गया। क्यों पांडू, सब ठीक है ना? Looked as if the pitch was helping old. It was either coming off fast or it was turning, because certainly Burani was not comfortable. India on 38. Good morning, Ramesh. 84 to win this test match. Old moves into Burani. Sir,
कभी बुलाया? ऑफिस में आते ही साहब, फिर एक चौका। लवली शॉट जस्ट पास बैरी वुड एंड दैट्स द फर्स्ट फॉर दिस मॉर्निंग अ ब्यूटीफुल शॉट ओल्ड ओवर पिचड एंड दुरानी यार वो टू द कवर पॉइंट बाउंड्री फॉर फोर रन सो विद दैट फोर दुरानी टोटल मूव्स अप टू 21 यस गुड मॉर्निंग सर तुम फिर से लेट आया आई एम सॉरी सर ठीक है टाइम से आया करो यस सर बट किधर है सर कल से बट नहीं आ रहा है सर आई नो बट वो जरूर क्रिकेट मैच देखता होगा ब्लू बट कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और फाइल मेरे पास भेज दो यस सर Strike the ball and someone comes out to that using his feet, drives it all along the ground. The ball goes straight, they poke off, they pick it up and threatens their back. Raman? Attempting to trade back. वो Bluebird Company का statement बन गया? काहे को disturb करता यार, बाद में देख लेंगे. करवा दिया ना out. जब से grade 2 में promote हुआ है, अपने आपको पता नहीं क्या समझता. The umpire hesitated a little bit and then put his arm up. So India have now lost 3 wickets for 44. And to commence on that wicket, he gave it to you, Lala. Well, it was a well-driving, good-length ball of center, and the batsman played for the ball. Arun ko bulao. Arun sahab, Gela sahab. ठीक है जाओ इन लोगों को ओवरटाइम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं जवान है पता नहीं किधर किधर ओवरटाइम करना पड़ता होगा साहब सफेद क्रीम लगाऊं चमका देगा साहब अबे जल्दी कर जल्दी हेलो प्रभा कब से खड़ी हो आजकल ये कंबक बसे टाइम पे नहीं आ रही हैं और आती भी हैं तो स्टॉप से 10 गज दूर खड़ी हो जाती हैं अच्छा शाम को क्या कर रही हो डोंट टेल मी तुम्हें टाइम नहीं है सुनो हीरोस में एक अच्छी पिक्चर लगी है चलो चलते हैं मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगा 5 बजे ठीक है ना ए भाई लाइन से अरे दोनों साथ हैं उसके बाद गेलॉट में चाय पियेंगे फिर पिक्चर चलेंगे ओके कंडक्टर 2 फाउंटेन देना अरे अरुण अंदर ही सो गया क्या जल्दी कर जल्दी मुझे भी ऑफिस जाना है आया आया टाइम क्या हुआ नौ बीस जी 9:20 थैंक यू
आज बड़ा मजा आया, क्यों मैं आकर खड़ा हो गया, मेरे पास सिर पिटाने लगा पूरी तरह से। मैंने भी सोचा आज क्यों ना उसे छेड़ू। मैंने उसे यूं ही पूछ लिया, एक्सक्यूज मी टाइम क्या हुआ। वो इस तरह मेरी तरफ देखने लगा जैसे मैंने कोई पिस्तौल उठाकर उसके सीने पे रख दी हो। होता है ना फिल्मों में, बस हाथ उठाना ही बाकी रह गया था। मुझे तो तरस आता है उस लड़के पे। हाँ वैसे है अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर छेड़ने का बड़ा दिल करता है। और आजकल तो साहब घर तक भी छोड़ने आते हैं। देख मजाक तो कर रही है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। प्रभा साहब आज सब ओवर टाइम करता है। अपने को टाइम नहीं है। प्रभा कौन है ये? होगा कोई, हमेशा पीछा करता रहता है। जाकर शिकायत क्यों नहीं करती? करूंगी। जैक्सन तुलाराम कंपनी कहाँ है? दोनमाला। थैंक यू। जी सुनिए, जैक्सन कंपनी में आपको किससे मिलना है? जनरल मैनेजर से। जनरल मैनेजर से आपको क्या काम है? सुनिए देखिए, मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं कल आपके पीछे बस स्टॉप तक जरूर गया था, लेकिन क्या? लेकिन देखिए आप गलत ना समझिए। जनरल मैनेजर का कमरा किधर है? देखिए आप रिपोर्ट करेंगी तो बहुत बुरा होगा, ऐसे भी मैं अक्सर लेट आता हूं। यकीन मानिए मैं, आप मेरे ऑफिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख लीजिए, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। मणि कौन है? मुझे नहीं मालूम सर। जी हाँ यही है वो हजरत जो सुबह शाम मेरा पीछा किया करते हैं। आज तो यहाँ आई हूँ शिकायत लेकर, अगर इसी तरह इनकी हरकतें रही तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा दूंगी। बेशरम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि हमारी कंपनी की बदनामी है। फौरन इनसे माफी मांगो और कहो कि आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे। माफी किस बात की मांगो, प्यार करना कोई गुनाह है? हाँ मैं प्रभा से प्यार करता हूँ। क्या हमारी कंपनी की ईओ मिस्टर नम्बियार ने प्यार करके ही शादी नहीं की? क्या अकाउंटेंट पारिक साहब हमारी ही कंपनी के हंसाबेन के प्रेम में नहीं पड़े? और क्या आपने अपनी मिसेस शिरीन दारूवाला के साथ? मालूम है मैं तुम्हें अभी मिसकॉन्डक्ट और ग्रॉस इनसबॉर्डिनेशन का शो कॉज नोटिस देकर नौकरी से बर्खास्त कर सकता हूं। अपना बड़ा सा बुलाया था। सर मीट मिस प्रभा नारायण, शी इज फ्रॉम फ्रैंक लॉयड एंड कंपनी। इनका एक कंसाइनमेंट आकर पड़ा है लेकिन हमारे इनवॉइसेस अभी तक नहीं पहुंचे। जरा देखिए तो इनके पेपर्स कहां हैं। सर वो तो मैंने भिजवा दिया था, शायद डिस्पैच में होगा। वेल इन्हें वो लेटर या उसकी कॉपी दे दीजिए,
आप इनके साथ जाइए मिस प्रभा, मुझे देरी के लिए बहुत अफसोस है। एंड गिव माई रिगार्ड्स टू मिस्टर दुराब जी। थैंक यू सर। आइए। ओके सर। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा जलने दे तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा जलने दे यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा तभी तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करते हो झूठे वादे संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिर समझू मैं तेरी राधे जा दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करते हो झूठे वादे सुन जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन ओ जाने मन तेरे दो चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन हाँ जाने मन कभी ना तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं ना कहीं बादल बरसेंगे छेड़ेंगे कभी ना तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं ना कहीं बादल ये
क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया हो पता है तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। बदमाश आज बड़ी खुश नजर आ रही है। फिर मिल गया क्या? मिलता तो रोज ही है लेकिन आज बस में उसे मेरे पास बैठने की जगह मिल गई। तब तो बहुत बातें हुई होंगी। खाक पूरे रास्ते पसीना पोंछता रहा। तूने कुछ नहीं कहा? मैं क्या कहती, वैसे तेरा प्लान सफल रहा। कल मैं गई थी उसके दफ्तर तेरे कंसाइनमेंट के लिए और वो समझ बैठा मैं उसकी शिकायत करने गई। तब भी कुछ बातें नहीं हुई? हुई दो चार लेकिन कल तो उसकी हालत बहुत खराब थी। कहने लगा मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख लो मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। उससे बातें नहीं हुई तो क्या हुआ? बात तो हमेशा उसी की करती रहती है। इसका क्या मतलब है मालूम है? क्या मतलब है बताओ। मुझे मालूम है आपका नाम प्रभा नारायण है और आप खार में 9th लेन में रहती हैं, शाम निवास 3rd माला। कितने दिनों से आप मेरा पीछा कर रहे हैं? बस मैं हमेशा कोई किताब पढ़ती रहती हैं, डेनिस रॉबिन्स के रोमांटिक नॉवेल्स। चाय पीजिए नहीं तो ठंडी हो जाएगी। पिछले सोमवार को आपने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और शुक्र को हरी। अक्सर हल्के रंग की साड़ी पहनती हैं आप। आपका बैग हमेशा सफेद रंग का रहता है ना? बैठते समय आप अपना पैर एक दूसरे के ऊपर रखती हैं और आपके सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली का नाखून बड़ा है। अरे चाय पीते क्यों नहीं? ठंडी हो रही है। अरुण ए क्या सोच रहा है यार? किसी लड़की का हाथ पकड़ा है तूने? क्या यही सोच रहा था? अच्छा मोहन, किसी लड़की का हाथ पकड़ना हो तो कैसे पकड़े? ऐसे। अरे उल्लू अभी तक तू लड़की के हाथ तक नहीं पहुंचा, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है तुझे। गुड मॉर्निंग। हेलो। आपका वो कंसाइनमेंट मिल गया? कौन सा? वो उस दिन दफ्तर में आई थी ना? हाँ मिल ही गया होगा। परसों इरोस में पिक्चर देखी मैंने, आपने देखी? आजकल बस देर से आती है। सॉरी क्या कहा आपने? बस। हेलो प्रभा, हाउ आर यू? छोटी छुट्टी से आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा ऑफिस जा रही हो? हाँ आजा मेरे साथ चलो। अरे कम ऑन चलो ना, आजा आजा आजा। प्लीज मी। हाउ इज लाइफ? फाइन। हैं चला चला जल्दी। टैक्सी टैक्सी। हेलो प्रभा। Hey.
हेलो, ओ हाँ, कहिए जी। मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है, लंच पर मिल सकेंगी? हाँ नहीं नहीं, वो मिलने पर ही बताऊंगा। सोमवार में 1 बजे। हाँ हाँ हाँ, मैं वहीं पर रहूंगा। ठीक है, 1 बजे आ जाइए, नहीं तो भीड़ बढ़ जाएगी। हाँ ओके। ए मिस्टर आठाने, सॉरी। चल जल्दी, मजे की बात है। अरे क्या है? आज उसका फोन आया था, लंच पर बुलाया है। जा रही है? जाओ। मैं ना कहूँ तो नहीं जाएगी? और आज तो नागेश भी छुट्टी से वापस आ गया है। अच्छा मान लो अगर अरुण ने मुझसे कुछ पूछा या मेरा हाथ पकड़ लिया तो? प्रभा घबराओ नहीं, तेरा अरुण ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। और तूने तो कहा था वो नेहा सीधा और शरीफ लड़का है। तू क्या सोच रही मुझे पता है, यही ना कि इतना सीधा और शरीफ होना भी किस काम का। अच्छा ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी लंच पर। मत जा। हाय प्रभा, तुम यहाँ कैसे? आओ बैठो, हैव सम लंच। नो थैंक यू, मुझे वहां जाना है। तो हम भी वहां चलते हैं, इसमें क्या है? शाम, सी यू। दिस इज नागेश। ये है अरुण जैक्सन तुलाराम कंपनी में, और ये है नागेश हमारे लॉ डिपार्टमेंट में। क्या खाएंगे? एक्सक्यूज मी, मैं फिक्स करता हूँ। डिसूजा। यस सर। डिसूजा, अपनी जरा वो स्पेशल डिश बनवाओ। पीटर है ना अंदर? यस सर। उसको कहना नागेश साहब का ऑर्डर है, अच्छी तरह बनाए। क्या कहेगा? अच्छी तरह बनाए। अबे कहना नागेश साहब का ऑर्डर है, वो समझ जाएगा। ओके क्या बनवाना है? चिकन अलापूज 3 प्लेट। ओके सर। आप दही बड़ा खाते हैं? प्रभा तो खूब खाती है, 3 प्लेट दही बड़ा। ओके सर। कीमा पराठा, चावल बॉयल। ओके और कुछ नहीं बस, दैट्स ऑल। जल्दी बनाना, नहीं तो नो टिप। ओके हरी अप। बाय द वे, आप कुछ बीमार हैं क्या? जी नहीं। गुड। अच्छा प्रभा, आज का सर्कुलर पढ़ा? अगली 15 से मैचेस शुरू होने वाले हैं। अच्छा? इस बार पूरी छुट्टियों में मैं सुबह शाम टेनिस टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करता रहा, ये वो। अच्छा मिक्स डबल्स में मैंने तुम्हारा नाम दे दिया। हाँ हाँ हाँ, कल से प्रैक्टिस शुरू। प्रभा एंड नागेश इंटर ऑफिस चैंपियन। लेकिन अब तो मेरी प्रैक्टिस भी नहीं रही। अरे डोंट बॉदर, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। आप टेबल टेनिस खेलते हैं? जी कॉलेज के दिनों में थोड़ा बहुत खेलता बस, था। बस काफी है। कॉलेज में मैं क्रिकेट खेलता था, ओपनिंग बैट्समैन एंड पेस बॉलर। सुनील को मैंने स्टैंड सिखाया। सुनील, सुनील गावस्कर, ही वाज माय कॉलीग। क्या बताएं, ऑफिस में आके सब गड़बड़ हो गया। प्रभा जरा बताओ ना इनको, मैं यू नो। आप हमारे ऑफिस में 2 साल से टेबल टेनिस और शतरंज के चैंपियन हैं। ओ आई सी, यू नो। अबे पराठा नहीं लाया? सॉरी सर, अभी लाया। हरी अप यार, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, स्टूपिड। अरे वो तुमने सुना उस दिन वो टकले ने मुझे रूम में बुलाकर क्या कहा? हमारे जीएम को हम टकला कहते हैं, वैसे आदमी बहुत अच्छा है। अच्छा माय फुट, फीमेल स्टाफ के लिए अच्छा होगा। आप खाइए ना, आपका नाम क्या, मैं भूल गया। अरुण। हाँ हाँ अरुण। जल्दी ऑफिस चलो, वो टकला बोल रहा है। 2 बज गए। चलो 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 चलो, नाइस मीटिंग यू। प्रभा इनको बुलाओ ना आज प्रैक्टिस पर। आइए ना, हमारी प्रैक्टिस चर्चित जिमखाना में होती है। कितने बजे? अरे रे, आज नहीं, आज तो अपना शतरंज का मैच है, भूल गई? डोंट वरी, मेरे पास स्कूटर है, छोड़ दूंगा तुमको। अच्छा अरुण, डोंट माइंड, आई विल कॉल यू अरुण। कल आना प्रैक्टिस पे। ओके थैंक यू फॉर ऑल दिस खाना वाना, सी यू।
हरिए यार जल्दी चलो, उसकी फाइल भी निकालनी है। थैंक यू सर। मुसम्मात प्रभा नारायण के इश्क में नाकाम अरुण प्रदीप ने 7 अक्टूबर की दोपहर को 1:55 पर इंतकाम के इरादे से अपने रकीब नागेश शास्त्री को जहांगीर आर्ट गैलरी के सामने सिर्फ 4 फीट की दूरी से स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर से गोली मार दी, जिससे मरहूम की मौत वहीं हो गई। मुल्जिम ने यह कत्ल पूरे होशहवास में दिन दहाड़े खुलेआम किया है, जिसके लिए उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। 6 अक्टूबर की सुबह 9 बजे एक कार के एक्सीडेंट से मुलजिम के दाएं हाथ में गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से मुलजिम का दाया हाथ आज भी जख्मी है। सिविल सर्जन का मेडिकल सर्टिफिकेट बतौर एग्जिबिट सी दिया जा चुका है। इसीलिए योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन का चार्ज कि मुलजिम ने 4 फीट की दूरी से नागेश शास्त्री पर गोली चलाई है, यह बिल्कुल। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहिए योर ऑनर। 200 फीट की दूरी तक स्मिथ एंड वेसन या किसी भी रिवॉल्वर से किसी भी शख्स को अपने दाएं हाथ से तो क्या, मैं अपने बाएं हाथ से भी उड़ा सकता हूं। ये क्या कह दिया आपने? आपने किसको खुद ही बिगाड़ दिया? ये तुमने क्या किया अरुण? अब मेरा क्या होगा? यस सर, थैंक यू सर। क्या यार, क्या खिटपिट लगा रखी है, ये भी कोई खेलने की जगह है? कम से कम चैन से खाना तो खाने दो। सॉरी यार। Waiting for the bus. You know, स्कूटर पे तीसरे आदमी के लिए जगह नहीं होगी। By the way, शाम को आ जाना प्रैक्टिस पर। मैं और प्रभा डेवल्स खेल रहे हैं। आओगे? See you. चले हम लोग? हाँ चलो। चले भाई। Bye. Bye. अबे यार पिंटो। हाँ। ये मेरी गाड़ी 6 महीने से मोटरसाइकिल पड़ी है, ये बिकेगी कि नहीं? अरे इसे कौन खरीदेगा? अभी कहता हूँ किसी कबाड़ी को देख के बेच दे, 500-600 तो मिल जाएगा। उस्ताद आपने तो इससे भी कंडम माल बेचा हुआ है। बम्बई में साला उल्लू बहुत है। अच्छा? कोई ना कोई बकरा तो फंस ही जाएगा। उस्ताद कोई अपना बोर्ड पड़ रही है। बोर्ड पड़ रहा है? अबे चलो चलो चलो, राख का क्या भरोसा कब आ जाए। अब सुन, पैसे तो ले जा। अबे 1000 रुपए वापिस लाना। आपके यहाँ स्कूटर बिकाऊ है, बताएंगे कोई? स्कूटर मांगता? हाँ आओ बताते हैं। ये रहा साहब, ये वान माल है।
अरे भाई वो स्कूटर तैयार है, कल जो देखकर गए थे। क्या लाया है? हाँ हाँ माल उठाने आए हैं। ये रही। पीटर। हाँ बोल। तेरी चीज तो कमाल लगती है। हाँ यार क्या ख्याल है, इसे ले लें? हाँ माल तो जोरदार लग रही है, पूछ उससे। अरे भाई कल तुमने ये मोटरसाइकिल दिखाई नहीं, इसे बेचना है क्या? मांगता है क्या? आज सुबह ही आई है। अरे अब्दुल जरा गुंडाम को बुलाना, बोलना पार्टी आई है। ले लीजिए साहब, दाम कुछ ज्यादा नहीं है। अरे देखना इनको मोटरसाइकिल चाहिए, जरा तुम बात कर लेना। साहब साहब दोनों टायर भी नए हैं, आप देख लीजिए ना। देखिए 25 साल से एक ओनर के पास है ये गाड़ी, ये तो रुपयों की जरूरत पड़ गई इसलिए बेच रहा हूँ, वरना कौन बेचता है इतनी अच्छी गाड़ी को। स्टार्ट करके देखूं? अरे सड़क पर चला कर देखो दोस्त, ओरिजिनल इंग्लिश माल है ये, हर पुर्जा हीरे का टुकड़ा है। पीटर यार मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल खरीद ले, स्कूटर पिस्कूटर क्या है इसके सामने? क्या साहब लेने का स्कूटर? क्या कीमत है इसकी? खैर इसकी कीमत तो कोई क्या देगा, लेकिन रुपए 4000 मिल जाए तो गाड़ी आज ही छोड़ दूंगा। हाँ मेरा ख्याल है ले लें, दाम कुछ ज्यादा है लेकिन ऐसी चीज मिलेगी नहीं। ठीक है 2.5 में फैसला कीजिए, ले लेते हैं। 2.5 नहीं, देखिए एक बार रुपए 3000 लूंगा, ईमान से दिल के टुकड़े को काट कर बेच रहा हूँ, क्या करूँ मुसीबत में फंस चुका हूँ। मेरा ख्याल है 3 में भी बुरी नहीं, ले लें। ले लूं? ठीक है आप पूछ रहिए, 3 में ही सही। निकालो माल। ये लीजिए 1000 रुपए, बाकी के पैसे 2 किस्तों में दे देंगे। किस्त? किस्त कैसी? रुपयों की जरूरत है इसलिए तो इतने सस्ते में गाड़ी दे रहा हूँ, रुपया 3000 रोकड़ा चाहिए। हाँ अरे भाई तुमसे तो बात हुई थी कि पैसे 3 किस्तों में देंगे। अरे भाई मैंने तो स्कूटर की बात की थी, स्कूटर ले लो किस्त पर। अरे यार आप 3000 रुपए कहाँ से लाऊं? देखने यार कोशिश कर, शायद कहीं से बंदोबस्त हो जाए। क्या कीमत है इसकी जी? आपको चाहिए? आप लोग न ले तो मैं ले लेता हूँ। अरे साहब फिर आप ले लो इस मोटरसाइकिल को, स्कूटर क्या है इसके सामने, आप भी याद करेंगे क्या चीज खरीदी है। हाँ अरे यार चीज जा रही हाथ से। जाने दे यार मेरे पास इतना रुपया नहीं है। हाँ लीजिए। नहीं नहीं पहले स्टार्ट करके खातरी कर लीजिए आप। नहीं ठीक है लीजिए। नहीं नहीं साहब पहले देख लीजिए आप। पिंटो गाड़ी सीधी कर दे। ट्रांसफर परसों तक करवा दूंगा। अब लीजिए साहब। अबे हाथ तो छोड़ यार। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, है ना अच्छी चीज, तुम्हें पसंद है ना? मैं ये क्यों लाया प्रभा? सच बताऊं सिर्फ तुम्हारे लिए प्रभा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद सकता हूँ, मेरी तो ये इच्छा है कि इच्छा नहीं, इच्छा नहीं तमन्ना, हाँ तमन्ना अच्छा वर्ड है। हाँ मेरी तो यह तमन्ना है प्रभा कि कल से हम दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर ऑफिस जाएं। तुम ठीक 9:20 को बस स्टॉप पे आ जाना, मैं तुम्हें नहीं वो साला नागेश तुम्हें वहीं से लिफ्ट देता था ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिकअप कर लूंगा, ठीक है ना? इस नागेश के बच्चे, अरे तू कैसे आ गया यहां, तू क्या बकबक कर रहा था? तू नहीं समझेगा।
मोटरसाइकिल? मैंने खरीदी है। अच्छा, कब खरीदी? कौन रोज रोज की परेशानी उठाए, लंबा क्यू, बस, इंतजार। चलो चलते हैं, बैठो ना। चल। क्या हुआ, बिगड़ गई क्या? नागेश, क्या हो गया? मोटरसाइकिल बिगड़ गई है। ओ, किसकी है ये मोटरसाइकिल? मेरी है। अच्छा 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 अच्छा, सेकंड हैंड खरीदी है क्या? अरे ये तो गुरनाम के गैरेज की लगती है, ये ल्यूनिक गैरेज से खरीदी है ना? हाँ, क्यों? आई पिटी यू अरुण, तुम तो ठग लिए गए यार। कितने पैसे दिए? 3,000। 3,000 रुपए इसके? सॉरी, ये तो 300 रुपए की भी नहीं है यार। अभी जाकर फौरन लौटा दो। लेकिन अब क्या फायदा, वहां तुमको कौन मिलने वाला है? भैया सड़क पे खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला, जाओ किसी गैरेज में जाओ, इसे ठीक कराओ यार। प्रभा, तुम कब तक खड़ी रहोगे यहाँ पे? चलो मेरे साथ, कम ऑन। आप जाइए, ऑफिस को देर हो रही है, मैं इसे किसी गैराज में लेके जाता हूँ। चलो प्रभा, चलो। अच्छा अरुण, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पुअर बॉय। बेचारा अरुण, सोचता क्या है, होता क्या है। लेकिन सवाल है जैक्सन तोलाराम कंपनी की प्रेम परंपरा का, क्या अरुण उसे निभा सकेगा, उसे विजय मिलेगी, कैसे? सवाल जरा टेढ़ा है, लेकिन मरता क्या ना करता। मैं प्रभा के बिना मर जाऊंगा प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही बताइए मैं क्या करूं प्रभु।
जी कुछ तो बताइए। कहाना बाबा बोलते नहीं हैं, मोनी बाबा हैं। लेकिन मेरा क्या होगा, मैं बहुत दुखी हूँ। बाबा को प्रसाद चढ़ाया है ना? हाँ हाँ। और विधवा आश्रम के लिए भी चंदा दिया है? दिया है, 101 रुपया दिया है। तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ पता तो चले क्या होगा, नहीं तो बाबा लिखकर ही बता दें। तंग मत करो, जाओ, बाबा को आराम करने का है। जी ये क्या लिखा है, ये भाषा तो मुझे समझ नहीं आती। बाबा को यही भाषा आती है। लिखा है जल्दी घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आंडे कांडे कुबूर से, अब जाओ। चला गया, जल्दी करो कपड़े उतारो, हरी अप। साढ़े तीन का शो, फिल्म जाना है, चोरी मेरा काम, टिकट लाइयो। हाँ हाँ। दो? हाँ हाँ दो। वेरी गुड, फरमाइए आप क्या चाहिए। जी मेरा रुमाल भूल गया। हाँ, हाँ, ओ। फिर कहीं से पता चला कि शहर के शोरोगुल से दूर खंडाला में एक साहब रहते हैं, कर्नल जूलियस नगेन्द्रनाथ विल्फ्रेड सिंह, आर्मी के रिटायर्ड कर्नल। कहते हैं कर्नल साहब ने दुनिया देखी और इसीलिए छोटे बड़े अमीर गरीब सब हर पहलू पर इनसे मशवरा लेते रहते हैं। सुना है कि 20 साल पहले जैक्सन तोलाराम के जनरल मैनेजर बाटलीवाला ने भी इन्हीं कर्नल साहब के मशवरे से शीरीन दारूवाला को अपना बनाया था। खैर आइए देखते हैं हमारे अरुण का क्या होता है।
मुर्गियां वापस। दरवाजा बंद कर दो, इधर चले आओ। अरे उधर नहीं, दूसरी तरफ से। हाँ, छाता और बैग वहीं रखकर आना। गुड। तो मुर्गियों का दरवाजा खोल दिया तुमने? जी, मैं, मुझे मालूम नहीं था। क्या बात है? जी, मैं बंबई से आया हूं, मुझे कर्नल JWN सिंह से मिलना है। लेकिन आज तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। जी, अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी काम है। मुझे कहते हैं जूलियस नगेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह। शोभा, जरा थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। अच्छा, आप ही हैं? नमस्ते। गुड मॉर्निंग। यहां तक कैसे आए? जी, वो तीर के निशान लगे थे, वही देखते देखते आ गया। यानी उस उबड़ खाबड़ रास्ते से? जी, यही जानना चाहता था। इसका मतलब है मामला बड़ा संगीन है। जी, मैंने कुछ नहीं किया। यहां आ गए, यही क्या कुछ कम किया। ज्यादातर लोग उस रास्ते से वापस चले जाते हैं, रास्ता बना है इसलिए। लेकिन जो आ जाते हैं, मे बी। यस सर। एक काम करो, सेक्रेटरी सेन को सिट डाउन, सिट डाउन। सेक्रेटरी उल्लू का पट्टा है, मामला संगीन है। वो तीन दिन बाद तुम अपॉइंटमेंट देगा। तुम एक घंटे बाद बिलियर्ड रूम में आ जाओ, कहना मैंने बुलाया। चलो। हाँ तो शोभना जी, मैं क्या कह रहा था? जी, आप कह रहे थे, हाँ, जिंदगी को एक जबरदस्त घुमाव देना है। एक जबरदस्त घुमाव देना है, एक जबरदस्त मोड़ देना है। ये कला है जिसे तुम्हें सीखना चाहिए। एक्सलेंट शॉट। गुड मॉर्निंग कर्नल साहब। गुड मॉर्निंग। आज की डार्क। ओह माय माय। एक कैंडिडेट भी है। कौन कैंडिडेट? कहता है आपने बिलियर्ड रूम में बुलाया है, बंबई से आया है। मैंने बुलाया? ओह हाँ, मुर्गियां। ठीक है बैठो। चिट्ठी में कोई खास बात है? बंबई के बख्तावर भाटिया के वकील ने हटा स्मगलरों को, जब फंस जाते हैं तब सलाह मांगने आते हैं। बाकी सब मामूली चिट्ठियां हैं, चार मिनिस्टरों की हैं, छह एक पुराने महाराजाओं की, और बाकी सब किसी को नौकरी चाहिए, किसी को लाइसेंस चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, और किसी को। हेलो अमिताभ, नाइस टू सी यू। दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी तुमने? सीधा शूटिंग से आ रहा हूँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। व्हाट्स द ट्रबल? इनकम टैक्स? एक मिनट। अच्छा, थैंक यू। पहले इन मिनिस्टरों की चिट्ठियां देखेंगे? नहीं नहीं, इस वक्त नहीं, ऑफिस में भेजवा दो चिट्ठियां। बैड लक मेज, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। और मेरिलिन को भेज दो, क्योंकि डायग्नोसिस नोट करना है। यस सर। सुपर एक्सलेंट शॉट, एक्सलेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मेरिलिन। हाँ बताओ, क्या बात है? क्या नाम है तुम्हारा? अरुण प्रदीप। अरुण प्रदीप, डबल नाम, गुड। नोट डाउन मेरिलिन। बम्बे में तुम्हें क्या तकलीफ है? नौकरी नहीं मिल रही? जी वो बात नहीं है। अगर फिल्मों में एक्टिंग के लिए आए हो तो चले जाओ, कुछ होने वाला है नहीं। जी एक्टिंग की भी बात नहीं है। तो फिर जरूर कोई लड़की का मामला है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस मामले में मुझसे अच्छी कोई तुम्हें सलाह नहीं दे सकता। तो लड़की मिल नहीं रही है? अरे भाई चुप रहोगे तो काम कैसे चलेगा? सॉरी मेजर, यू कैरी ऑन। माँ बाप के इकलौते बेटे हो? जी। हमेशा उनके साए में रहे और हर काम में तुम्हारी हिदायत देते रहे? जी। आपको कैसे मालूम? अब वो दोनों गुजर चुके हैं।
जी, इसलिए तुम्हारे निजी फैसले जो वो तुम्हारे लिए कर दिया करते थे खुद नहीं कर पाते। लड़के से मुलाकात कैसे हुई? बस मैं नहीं, क्यों मैं नहीं, वो उस दिन शायद, हाँ क्यों मैं ही इम्प्रॉपर कंडीशनिंग एंड डिफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। लड़के शादीशुदा या कुंवारी? कुंवारी है शायद। शायद ऑफिस में काम करती है? जी। तुम्हारे? जी नहीं। तुम्हें पहचानती है? जी। रोज तुमसे मिलती है? जी नहीं, मेरा मतलब है मैं ही उससे मिलने की कोशिश करता हूँ। कहाँ? बस में, क्यू में और अनस्टेबल सेल्फ इवेसिवनेस। बीच में कोई दूसरा लड़का है, कोई रकीब, रास्ते का कांटा? जी हाँ है, इसीलिए तो सर। लड़की उसके ऑफिस की है? जी आपको तो सब मालूम है। और लड़का तुमसे बेहतर परिस्थिति में है? जी। यानी कारवार है उसके पास? स्कूटर है। तुम्हारे पास स्कूटर नहीं है? जी नहीं। उस लड़के में और क्या खास बात है? टेबल टेनिस और शतरंज का खिलाड़ी है। और तुम दोनों में फिसल दी। LLL केस। जी। लव्स लेबर लॉस्ट। लड़की नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? खुदकुशी? क्यों? जी। कैसे? जी मेरा मतलब है खुदकुशी कैसे करोगे? रेल से कटकर, बिल्डिंग से कूदकर या पानी में डूबकर? सर। यस मैरिलिन। सॉरी, या जहर पीकर? मैंने सर इस मामले में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। अनस्टेबल पैरानोइडिकल फ्रस्ट्रेशन, आत्मविश्वास में कमी, स्पेशल कोर्टशिप पैटर्न ट्रेनिंग, साइकोथेरेपियन बिहेवियरिज्म। फिलहाल खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जवाबों से ऐसा मालूम होता है कि तुम जिंदगी की लड़ाई हारे हुए हो, उस लड़की से भी जिसे तुम प्यार करते हो। क्या नाम है उस लड़की का? प्रभा। क्या कहा? प्रभा, प्रभा नारायण। हम तुम्हें कामयाबी दिलाएंगे, लेकिन 20 एक रोज यहां रहना पड़ेगा। रहने की जगह है यहां? जी नहीं। गेस्ट हाउस में इसके लिए जगह कर दो। खर्चा भी करना पड़ेगा, कुछ रुपए पैसे हैं? हाँ। 1000 रुपए? हाँ। गुड, देखकर खुशी हुई 1000 रुपए का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे पर शिकन नहीं आई। लागत। सबक पहला, हाथ ऐसे मरियल होकर नहीं बल्कि सख्ती के साथ अकड़ कर मिलाना चाहिए। कैसे? राइट। सबक दूसरा, हमेशा नाक पर हाथ फेरना, सर खुजाना बंद करना होगा। हमेशा आंखों में आंखें डालकर, सर उठाकर बात किया करो। क्या समझे? समझ गया सर। गुड। ये 1000 रुपए। रुपए हमेशा सेक्रेटरी को दीजिए। सबक तीसरा, अपने से रुतबे में बड़ों को कभी रुपया नहीं पेश करना चाहिए, बल्कि उनसे लेना चाहिए। जी। ये मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। Am I right, Major? जब से दुनिया बनी है, यह मानव समाज दो हिस्सों में बट गया है। मालूम है बंटवारा क्या है? जी हाँ, मर्द और औरत। विश्वनाथ जी, एक वो तालाब के पास गिरा है, दूसरा झाड़ के नीचे और तीसरा टेकड़ी पर जाकर ले आओ। हाँ, क्या तुमने मर्द और औरत? नहीं नहीं, मेरा इशारा किसी दूसरे बंटवारे से है, दूसरे संबंध से है, the other dichotomy। ये बंटवारा जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। ये बंटवारा है जीतने वालों का और हारने वालों का,
ऊपर वालों का और नीचे वालों का। अगर तुम ऊपर के दल में नहीं हो तो नीचे हो। जिंदगी की क्रिकेट में ड्रॉ नहीं होता, या तो जीत होती है या हार, और जीत उसी की होती है जो ऊपर है, और ऊपर वही है जो नीचे नहीं है। समझे? जी। खाक समझे? मैं खुद नहीं समझा मैंने क्या कहा, सच कहो समझे कि नहीं। सबक पांचवा, जब कोई बात एक जमाना था अरुण, तुम्हारी तरह मैं भी किसी लड़की से प्यार करता था। ये देखो, इतना प्यार करता था कि सोचा भी नहीं था कि लड़की मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। क्यों? मेरी बुजदिली। खैर छोड़ो पुराने किस्से को, आज तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, कल तुम चले जाओगे।
तुम जैसे नौजवानों से मेरी यही उम्मीद है कि प्यार के मामले में कहीं बुजदिली की वजह से बाजी ना हार जाओ जैसे मैं हार गया। एक बात याद रखना, प्यार पाने के लिए कोई भी तरीका नाजायज नहीं। All is fair in love and war. Right. और अरुण, मुझे तुमसे खास दिलचस्पी भी हो गई है, जानते हो क्यों? जी नहीं। Guess. सोचो। आप भी शायद मेरी तरह ही उल्लू थे। I'm sorry, sir. नहीं नहीं अरुण, ये बात नहीं। बात यह है कि आज मेरे पास रुपया है, मकान है, शोहरत है, ये सब कुछ होते हुए मेरे पास कुछ नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आज मेरे पास मेरी प्रभा नहीं है। प्रभा? हाँ अरुण, जिसकी वजह से आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, उसका नाम भी प्रभा था। इसलिए अरुण, मुझे मेरी प्रभा ना मिली ना सही, लेकिन जिंदगी में मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि दुनिया में जितने प्रेमी हैं उनको अपनी अपनी प्रभा मिल जाए। थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर सन। मैं भी तुम्हारे साथ बंबई चलता हूँ, मेरा एक छोटा सा काम है, और वहां जाकर देख भी लूंगा तो मेरी ट्रेनिंग का क्या फायदा उठाते हो। हेलो नागेश। हाय प्रभा। कहाँ चले गए थे? ऐसे ही गया था काम से। कुछ कहा भी नहीं। और नागेश क्या हो रहा है? मैं और प्रभा डबल्स में जीत गए, और क्या। अच्छा, कॉन्ग्रेट्स प्रभा। थैंक यू। प्रभा मैं थोड़ा आगे जाकर रुकता प्रभा, कम। प्रभा, प्रभा, चलो। नागेश ठीक है, पहले हंस ले फिर बात। अरे सुन दो। काय साहब, छुट्टी संपली? खड़े हो और कहो गुड मॉर्निंग। कहो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काय झालं? रामन। हाय रामन। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? ग्लूबर्ट के स्टेटमेंट्स देना। स्टेटमेंट्स अभी तैयार नहीं है। हाँ तो रामन, ये सब क्या कर दिया?
सब गलत। मैं भी आया। टोटल देखो। लेकिन मैंने तो सब चेक किया था। चेक कर लिया था तो ये कैसे हो गया? मैं ठीक कर लाता हूं। डू इट हियर, यहीं करो। अच्छा ये सब यहीं छोड़ दो, मैं कर दूंगा। ब्लू बर्ड का रजिस्टर लेके आओ, जैसे भी हो। आई वॉन्ट टू चेक इट। सॉरी। आप देखेंगे नहीं? स्टेटमेंट्स लेके आओ पहले। स्टेटमेंट्स अभी कुछ बाकी हैं, दो चार दिन में सारे स्टेटमेंट्स कल सुबह तैयार चाहिए। जरूरत हो तो ओवरटाइम कर लो। एंड नो सिली मिस्टेक्स। मैं कर दूंगा। मैं कर दूंगा सर। मैं कर दूंगा सर। साहब आपसे कोई मिलने आया? ये लो पैसे, पान खरीद लो अपने लिए। अच्छा सर। और खबरदार फिर से ऑफिस में बदतमीजी की तो। नहीं। जाओ वो साहब को भेज दो। अच्छा सर। लक्ष्मी ये सब टाइप आज ही हो जाना चाहिए, समझी? नारायण ये स्टेटमेंट अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई है? हाँ जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तुम आज यही काम करोगे ऑफिस में, समझे? जाओ। और नॉट यार सर, तुम्हारी छुट्टी की दरखास्त मैं तब तक आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक ब्लू बर्ड कंपनी का काम पूरा नहीं हो जाता। ओके गो। और तुमको चप्पा, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ एक कप चाय लेके आओ। वेरी गुड। थैंक यू सर। गैरेज में किसी को भेजा? हाँ मेरा रूम पार्टनर मोहन जाएगा कल। वेरी गुड वेरी गुड। भाई सुना है यहाँ पर एक मोटरसाइकिल बिकाऊ है, पुरानी, दिखाएंगे जरा? अभी नहीं है, बेच दी। बेच दी? हाँ। मेरा मतलब है सन 1925 में एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल, रॉयल एनफील्ड। हाँ हाँ बेच दी ना यार। कितने में? 3000 में। कौन है ये? अरे होगा कोई सरफिरा यार, चल तो ठीक। हाँ, कर हाँ, आर्मी हाँ, से ठीक कर। हेलो नागेश हियर। अरुण? कौन अरुण? ओ अरुण। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो हाउ आर यू? ठीक है। क्या लंच? वो अच्छा प्रभा भी आ रही है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं मैं उसको साथ ले आऊंगा। हाँ ओ श्योर यस सी यू। हेलो प्रभा। हेलो हेलो अरुण। फाइन ओके, नहीं मैं अकेले आ जाऊंगी। बाय। हेलो यस, आप कौन साहब बोल रहे हैं? ठहरिए देखता हूं। अरुण का टेलीफोन है। लो लो। हेलो अरुण, फिक्स हो गया? गुड। समोर कौन है? और रेस्टोरेंट जहांगीर आर्ट गैलरी, एग्जीबिशन हॉल। गुड मैं आ जाऊंगा। गुड 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 लक। बैठिए सर। ठीक है ठीक है। हेलो कर्नल सिंह। हेलो अरुण। देखो ये औरत है, इसके पेट में एक हाथी है, एक चिड़िया है। हेलो हेलो हेलो, हु इज दिस स्वीट गर्ल? यही है प्रभा। प्रभा नारायण, फ्रैंक लॉयड में काम करती है। और आप हैं कर्नल सिंह? जूलियस नगेंद्रनाथ विल्फर्ड सिंह कहीं काम नहीं करता।
हाउ डू यू? फाइन। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सब ठीक ही चल रहा है। एंड यू प्रभा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कौन सा काम? यह पूछ रहा था, घर का काम, ऑफिस का काम, इन दोनों के अलावा और भी तो काम है, क्यों अरुण? हाँ, प्रभा, मैं जरा टेबल रिजर्व करके आता हूँ, आप दोनों बातें कीजिए। हाँ, हाँ, जल्दी आना। प्रभा जी, बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा, तुम अरुण को कब से जानती हो? यही कुछ थोड़े दिनों से। कैसा लड़का है? मुझे तो बहुत पसंद है। तुम्हें? अच्छा है। मैं जानना चाहता था तुम्हें पसंद है या नहीं। चलिए चलते हैं, रेस्टोरेंट में जगह मिल ही जाएगी। इसका मतलब तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ये बात नहीं। यानी पसंद है भी और नहीं भी है? जी, वो मैं समझता हूँ, सवाल बड़ा टेढ़ा है। एक बात कहता हूँ प्रभा, तुम्हारा नाम सुन के एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई। एक लड़की थी जिसका नाम इत्तेफाक से प्रभा था। एक लड़का उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जिंदगी में दोनों मिल नहीं पाए। क्यों नहीं मिल पाए? उन्हें मिलना चाहिए था ना? हाँ, अगर दोनों का प्यार सच्चा था तो जरूर मिलना चाहिए था। यही मैं तुमसे सुनना चाहता था। बोलो, अरुण आ गया। आओ अरुण, टेबल रिजर्व कर लिया? हाँ, चलिए चलते हैं। मेरी जरूरत है क्या? जी, मैं जरा पेंटिंग देखूंगा, तुम दोनों जाओ। अच्छा, चलो। नमस्ते। प्रभा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुमको लेने गया था। रियली? ऑफ कोर्स। एंड अरुण, तुमने मुझे कहा था कि प्रभा को साथ लेकर आना, और तुम खुद चले आए उसके साथ। हे, डोंट लाफ नाउ। हाँ, प्रभा को कुछ शॉपिंग करनी थी, मैंने सोचा चलो मैं ही चला चलता हूँ साथ। क्या शॉपिंग करनी थी? अरे भाई, औरतों की कई खरीदारियां ऐसी होती हैं जो हर किसी को नहीं बताई जाती है? हाँ, तो वही लो, चलो। क्या खाएंगे? नागेश, तुम भी खाओ ना हमारे संग आज। एक्सक्यूज मी, डिसूजा, पीटर अंदर है ना? क्या ना, नागेश साहब का ऑर्डर है, क्या कहोगे? पीटर नौकरी छोड़कर चला गया सर। खैर, कोई भी हो, उससे कहना जरा अच्छी तरह बनाए। 3 प्लेट चिकन आला पूज और फ्रेंच डिश अब यह नहीं बनती सर। क्या, चलो आज चाइनीज चलते हैं। हाँ, चलो चलो। सैला, पीटर काम छोड़कर चला गया। चलो चलो। आउट, चिकन आला पूज भी बंद। आओ, कैसा रहा सर? अला ग्रैंड। अब चाइनीज जा रहे हैं। कहाँ? फ्लोरा। अरे ठहर ठहरो, डिसोजा को भूल गए, तुम्हारे लिए झूठ का इसने। सॉरी सर। डिसोजा। यस सर। ये 5 तुम्हारे लिए। थैंक यू सर। और ये पीटर को दे दे। थैंक यू वेरी मच सर। आप कुछ खाएंगे सर? यस सर, ऑफ कोर्स, चिकन आला पूज। डिसोजा, एक चिकन आला पूज और पीटर से कहना अच्छी तरह बने। राइट सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो बसंती बसंती होने
जाए लगे फूल हंसने देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने ये दिन जाए लगे नागेश को तो आज तक कोई शतरंज में हरा ही नहीं सका। पता नहीं क्यों अरुण नागेश से टक्कर ले रहा है। भाई ये चाल तो रियली लाजवाब चली। तुम जीते। अरे खेलो तो अभी तो तीन ही चालें चली हैं, एक भी शय नहीं दी। क्या होगा खेलकर? मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि सातवीं चाल में तुम मेरा ये घोड़ा ले लोगे, फिर आठवीं चाल में मैं तुम्हारा ये पॉन ले लूंगा, तेरहवीं और चौदहवीं चालों में मेरे दोनों हाथी मारे जाएंगे। हाँ मैं तुम्हारा वो घोड़ा जरूर ले लूंगा, लेकिन सत्रहवीं नहीं,
19वीं चाल में तुम शह दे दोगे, 20वीं चाल में मात। सन 1970 के इंटरनेशनल में ग्रैंड मास्टर क्लोटोजोव ने यही चाल दी थी। क्लोटोजोव ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर। नाइस जॉब नागेश। नाइस जॉब। लियोनिक गैरेज जी। कर्नल जूलियस नगेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह। कहिए। सुना आप क्या 1925 मॉडल के एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बिकाऊ है? जी वो तो बिक गई। बिक गई कब? कोई 1.5 महीने हुए। कितने में बेची? 3000। ओहो क्यों? अरे भाई क्यों का क्या जवाब है, मैं 6000 ले आया था उस मोटरसाइकिल के लिए। जी आपको जरूरत थी? पता लगा सकते हैं किसको बेची आपने? हाँ हाँ। एक काम कीजिए, ये 500 रुपया एडवांस रख लीजिए जी, और पता लगाकर इस पते पर मुझे लिखिए जी। अच्छा थैंक यू। देखिए रंग वंग तो सब कर दिया है, मील भर चलेगी, बाकी अल्लाह मालिक है। अरे आधे मील तक चल जाए और कुछ नहीं चाहिए, ये लो। अबे इसको कहते हैं किस्मत, मछली खुद जाल में चली आ रही। चलो तुम दोनों खिसको, चलो चलो ले। कैसे आना हुआ साहब? अरे इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको भी बधाई देता जाऊं, बधाई के हकदार आप भी तो हैं। किस बात की बधाई? अरे पूना कंटोनमेंट मोटरसाइकिल रेस में फर्स्ट आई है ये गाड़ी। फर्स्ट आई ये गाड़ी? क्यों पिछले संडे का टाइम्स नहीं देखा? हाँ लेकिन बेचते वक्त ये नहीं बताया था कि गाड़ी 93 ऑक्टेन पेट्रोल खाती है और हर 5 लीटर के बाद 1 लीटर मोबिल ऑयल मांगती है। अरे इसका मैनुअल पढ़ा तब जाके पता चला कि इसके कार्बोरेटर का जेट गायब है, बड़ी मुश्किल से पूना में मिला। हर जगह इंपोर्टेड पार्ट्स नहीं मिलते ना। माफ कीजिए साहब आपको बिला वजह तकलीफ हुई, आप ये गाड़ी हमें वापिस बेच दी। अरे पूना में कर्नल सिंह तो छोड़ते ही नहीं थे, पूछ रहे थे कहाँ से खरीदी। जी क्या नाम बताया आपने? कर्नल जूलियस नगेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह। बैठिए ना आप, बैठिए। अरे अब्दुल एक फंटा ला, बैठिए बैठिए। आपने क्या दे दी कर्नल साहब को? मैं क्यों देने लगा? मालूम है दुनिया भर में ऐसे सिर्फ 6 मॉडल्स हैं। लंदन की कंपनी पुरानी मोटरसाइकिल्स की नुमाइश के लिए यही मॉडल ढूंढ रही है, उनके पास एक भी नहीं है ना, इसलिए दुनिया भर के अखबारों में इश्तेहार दे दिया है। आपने पढ़ा होगा शायद। अरे साहब हम बेपढ़े लिखे आदमी है, रुपयों की जरूरत थी तो आपको भेज दी। मुझे क्या मालूम, मैंने क्या देखी थी मोटरसाइकिल तेरे पास 2-3 साल से। 2-3 साल से क्या हुआ? अजी छोड़िए साहब, ये गाड़ी हमें वापस दे दीजिए। मैं दूंगा, कर्नल साहब मांग रहे थे तो नहीं दी। अजी हुजूर आप अमीर आदमी हैं, परमात्मा की दया से नई गाड़ी आएगी आपके पास में, ये गाड़ी मेरी 25 साल की पुरानी साथी है, दे दीजिए आप मुझे। लेकिन वापस कर दीजिए साहब, आप शरीफ आदमी है, इसने नासमझी में दे दी होगी। लेकिन मेरा कोई ऊपर से 800 का खर्चा हुआ है इस गाड़ी पर। मैं आपको 4000 रुपए दूंगा नगद। जी हाँ अभी इसी वक्त। साहब बेकूफ आदमी है, कसरत कर करके भेजा एकदम ठंडा हो गया है, दे दीजिए अपनी गाड़ी, क्या याद करेगा। ये 4000 लीजिए साहब। बिल्कुल।
मगर एक शर्त पे दूंगा जी, कभी कोई मोटरसाइकिल दौड़ का मुकाबला हो तो मुझे आप ये गाड़ी देंगे शरीक होने के लिए। अजी 100 बार दूंगा गाड़ी, आपकी समझिए ना, ये लीजिए रुपए। जी किंतु कोई जरूरत नहीं, साहब टैक्सी बुलाओ। अब्दुल नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा, मुझे काम है यहाँ। हेलो नागेश। हेलो, यहाँ कैसे? ऐसे ही। ए भाई फोट, हाथ मत लगा, गाड़ी बेचने की नहीं है। अरे दिमाग खराब है क्या, मैं खरीदूंगा ये। क्या देख रहे हो? ऐसे जरा। अच्छा भाई मैं चला, बाय। ये लीजिए 500 रुपए जो गैराज में दिए थे। थैंक यू सन, मेरा ख्याल है आप तुम्हें कामयाबी मिल ही गई समझो। मैं 2-3 दिन के लिए बड़ौदा जा रहा हूँ, कुछ काम है। क्यों, वहां भी कोई अरुण अटका पड़ा है? कुछ ऐसा ही समझो, मेरी यहाँ जरूरत तो नहीं है। नहीं नहीं आप आराम से हो आइए, 2-3 दिन की तो बात है। बस 2-3 दिन की तो बात है। आप ऐसे क्यों जा रहे हैं, मैं टैक्सी बुलवा देता हूँ। नो नो सन, पैदल चलना ही चाहिए, ब्रिस्क वॉक इज बेस्ट फॉर हेल्थ, क्या समझे? पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। राइट, खंडाला के कर्नल जूलियस वगैरह वगैरह सिंह आप ही हैं? कर्नल जूलियस नगेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह। जी हाँ जी हाँ, वो आप ही हैं? ठीक समझे। आप ही और उनको चालें और तरकीबें सिखा रहे हैं? सिखा जरूर रहा हूँ, लेकिन चिट्ठियां लिखकर नहीं, समझे? मतलब ड्राइंग रूम से बेडरूम तक आप ही ले जा रहे हैं? 3 आसान चालों में। लेखक डेविड अब्राहम मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ तो आपको होने वाली है। सच? जी। ठीक है ठीक है ठीक है। गिली 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 गिली। ये क्या हो रहा? आओ प्रभा, सिट डाउन। सॉरी तुमको लंच ब्रेक में बुलवा लिया, बहुत जरूरी बात है। क्या बात है? बात काफी सीरियस है, तुमको अरुण से मिलना जुलना छोड़ना पड़ेगा। क्यों? वो तुमको फंसाने के चक्कर में है। क्या कह रहे हो? इट्स अ फैक्ट, सारी चालाकियां सीख कर आया है। मुझे तो उसी वक्त शक हो गया था जब वो चाइनीज रेस्टोरेंट में ले गया था। तुमसे प्यार का बस ढोंग है, मतलब असल में कुछ और ही है। और क्या मतलब हो सकता है? एक लड़का जब एक लड़की के पीछे पड़ जाता है तो क्या मतलब होता है, इतना भी नहीं समझती? नहीं, आज से मिलना जुलना बंद। लेकिन आज शाम को उसने मुझे बुलाया है। कहाँ? अपने घर। उसका कहाँ घर है? है कहीं बांद्रा में। फिर देख लेना, वही चाल चलेगा, ड्राइंग रूम से बेडरूम तक 3 आसान चालों में। डेविड इब्राहिम की किताब पढ़ी है? क्या है वो चाल? हाँ, घर में कोई नहीं होगा, रोमांटिक म्यूजिक बज रहा होगा, वो तुमको पान खिलाएगा, पान में कुछ नशीली चीज होगी, खुद अरुण सिगरेट पी रहा होगा, जलती हुई माचिस की तीली तुम्हारी साड़ी पर गिरेगी, तुम साड़ी उतार दोगी, इतने में कोई दरवाजा खटखटाएगा, तुम उठकर बेडरूम में चली जाओगी, बेडरूम में सिर्फ एक ही चारपाई होगी, वो आएगा, किसी बहाने तुमको उस चारपाई पर बिठाएगा, कमरे की बत्तियां बंद। और करो नागेश, अरुण इतना गिरा हुआ नहीं है। ठीक है, मेरा क्या, मैं तो समझा रहा हूं, गिर जाओ खड्डे में। जरूर जाऊंगी, देखते हैं तुम सच बोल रहे हो या पागल हो गई हो क्या, आखिर मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। नहीं नागेश, मैं जाऊंगी, देखती हूँ कितना प्यार करता है मुझे, और अगर सचमुच। डोंट बी सिली प्रभा, कोई जरूरत नहीं जाने की, तुम मेरे साथ चलो, मेट्रो में नई पिक्चर लगी है, चल के देखते हैं। ओके, गुड इवनिंग कर्नल साहब।
गुड इवनिंग। बड़ौदा का काम हो गया सर? हाँ बिल्कुल, चलो कल यहां से भी चलते हैं, यहां का काम है। प्लीज सर, एक बार अरुण से मिल लूं। अरुण का टेलीफोन आया था सर, मिस प्रभा को बुलाया है आज शाम को। आज शाम को? जी। कहाँ? बांद्रा में कहीं मकान लिया है। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? मुझे अभी जाना होगा। तुम्हें मालूम है बांद्रा में कहाँ है मकान? जी मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये एक एड्रेस दिया है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है सर, कुछ गड़बड़ है? अरुण बेवकूफी कर रहा है, प्रभा सीधी लड़की है, मुझे यकीन है प्रभा उससे प्यार करती है, उस पर तरकीब चलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी चलूं सर? नहीं नहीं, तुम यही ठहरो। अरुण का टेलीफोन आया तो कह देना जब तक मैंने पहुंच कुछ ना करे। ओके सर। आज बैठी रहेगी क्या? क्या बात है प्रभा? अगर अरुण ने सचमुच कुछ ऐसा किया तो? क्या किया है अरुण ने? चलो जी छोटा नकर, चल मेरे यहाँ। आज मेरी सिस्टर आई है दिल्ली से। नहीं दीपा, आज नहीं, आज मुझे अरुण से मिलना है, शायद आखिरी बार। क्या बात है, बताते क्यों नहीं? आज नहीं, देखती हूँ क्या करता है वो। वेलकम प्रभा, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। कैसा है मकान? अच्छा है। पान खाओ प्रभा, बनारसी है। पान? नहीं नहीं, तबीयत नहीं कर रही। बैठो ना प्रभा, खड़ी क्यों हो? तुम अकेले रहते हो यहाँ? तुम्हें तो मालूम है अभी मेरी शादी नहीं हुई। मेरा मतलब है और कोई नहीं रहता? फिलहाल तो कोई नहीं। तुमसे प्यार का बस ढोंग है, मतलब असल में कुछ और ही है। क्या बात है प्रभा, इतनी चुप क्यों हो? लो ना एक पान। चुप कहाँ हो, तुम बैठते क्यों नहीं? प्रभा
सिगरेट कब से पीने लगे? पीता हूँ कभी कभी अकेले में। लेकिन अब तो अकेले नहीं हो। क्यों, अब कौन है? खुद अरुण सिगरेट पी रहा हूं। जलती हुई माचिस की तीली तुम्हारी साड़ी पर गिरेगी। प्रभा, चले क्यों है? ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझ पर भरोसा नहीं था? न जाने क्यों हमेशा डर लगा रहता था कहीं तुम्हें खो न दूं। मुझसे पूछ तो लिया होता। पूछने की अगर हिम्मत ही होती। एक छोटी सी बात के लिए। देखो कौन आया। अब किसी की आने की जरूरत नहीं। अरे तुम यहाँ क्यों चले आए? मैं तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगा। जेल बाद में भिजवाऊंगा, इस वक्त जाना से नहीं, पहले मैं अंदर जाऊंगा। खबरदार अंदर गए। प्रभा, प्रभा, अरे तुम यहाँ हो? आर यू ऑल राइट? ठीक हो ना? तुम मेट्रो में क्यों नहीं आए? ये देखो टिकटें। जरूर इस अरुण के बच्चे ने तुमको फुसला लिया होगा। ये उस काउंटरल बदमाश, अगर तुमने फिर कभी प्रभा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी चमड़ी उठेड़ दूंगा। ओके माय डियर प्रभा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। चलो चलो मेरे साथ। मैं घबरा नहीं रही और तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, समझे? व्हाट? हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। कंग्रेचुलेशंस, अब मुझे तसल्ली हुई है। तुम चुप रहो। प्रभा, ये तुम क्या कह रही हो? ये सब चालें हैं, तरकीबें हैं, इनकी सिखाई हुई। ये सब झूठ है, ये बकवास है। देखना, मैं इन दोनों को जेल भिजवाऊंगा। जरूर भिजवाना जेल। लेकिन इस बेमौके इन दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो? तुम्हारे पास मेट्रो के दो टिकट है, चलो मेट्रो में सिनेमा देखते हैं। प्रभा ने तो फैसला कर ही लिया है। क्या फैसला? कैसा फैसला? तुम बताते क्यों नहीं? ये सब तुम्हारी तरकीबें हैं, तुम्हारी चालें हैं। चाले नहीं बच्चे, ये कला है। इसे दर्शन शास्त्र कह सकते हो, फिलोसफी कह सकते हो, विज्ञान कह सकते हो। बकवास है ये सब, विज्ञान फिज्ञान, भोली भाली लड़कियों को फंसाने की तरकीबें और कुछ नहीं। तुम्हारी चालबाजियों से ये दोनों मिले हैं, तुम्ही इन दोनों को अलग करोगे। इन दोनों को कौन अलग कर सकता है? इनका प्यार सच्चा है, इनकी लगन सच्ची है। इन्हें न मेरी कला की जरूरत है, न मेरे तरकीबों की। हम तो अंधों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जहां रोशनी हो वहां हमारे चिराग की कोई जरूरत नहीं। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। शादी के बाद अपनी प्रभा को लेकर एक बार जरूर मेरे घर आना। और सुनो बच्चे, जिंदगी से जूझने की कला क्या
चिट्ठियां लिखकर मुझसे नहीं सीख पाओगे। एक महीने की छुट्टी लेकर मेरे साथ रहो तो मैं कोई दूसरी प्रभा जरूर मिल जाएगी। और इस तरह अरुण ने भी जैक्सन तोलाराम की परंपरा को कायम रखा। दोनों की शादी हो गई और जैसी कि कर्नल साहब की इच्छा थी, शादी के बाद मिस्टर एंड मिसेस अरुण प्रदीप खंडाला में कर्नल साहब से मिलने पहुंचे। कर्नल साहब ने आशीर्वाद के रूप में वरवधु को 1,000 रुपए दिए। यूं समझिए कि उन्होंने ली हुई फीस वापस कर दी। सच्चाई के आगे फीस और कला की क्या जरूरत। अरे ये कौन चला आ रहा है? जी हाँ, नागेश ही हैं। एक महीने की छुट्टी ली है, लीव विदाउट पे, कर्नल साहब से सीख लेने आ रहे हैं। वैसे इनकी भी एक कहानी है, लेकिन वो सब बाद में। गिली 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 गुलू 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 गुलू। आज नागेश भी कर्नल साहब के क्लास में दाखिल हो गए। खैर उन्हें छोड़िए, फिलहाल आप सब इस नए जोड़े को बधाई तार नंबर 8 भेजिए। सुखमय और चिरस्थाई वैवाहिक जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं।